हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह हो गई है, तो आज मैंने जैसे पिछले वीडियो डाला था कि धान हो गया है बोल करके, अब आज वीडियो डालूँगा धान कटाई का। हाथ से कैसे कटाई करते हैं, हंसिया से, उसको आपको दिखाऊंगा और मैं खुद ही काट के दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ मैं पहले बहुत कर चुका हूँ और अब भी भूला नहीं हूँ, करने के लिए भी तैयार हूँ। तो चलिए चाचा के यहाँ पे खेत में, उनके बाड़ी में धान लगाए हैं, तो वहाँ पे मैं काम करके आपको दिखाऊंगा कैसे हाथ से कैसे काटते हैं। शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये घर के पास इनका बाड़ी है, तो यहाँ पे धान कटाई का काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये स्वर्णा धान है जिसको लगाए हैं। पिछले साल HMT लगाया था तो बहुत अच्छा हुआ था, इस बार भी बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को कच्चा दिख रहा होगा, ना पका है टाइप का, लेकिन नहीं, ये पक गया है, पूरी तरह से पक गया है ये। तो मैं भी काट के दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि ब्लॉगर सिर्फ ब्लॉगिंग जानते हैं, ये वाली बात नहीं है। आई एम ऑल इन वन। ये देखिए, ये हमारे राहुल भाई हैं, काट रहे हैं धान। तो मैं कैसे काटता हूँ धान, धान काटने का भी एक कला होता है। मैं, चलिए चाचा कैसे काट रहे हैं उनको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको अपना कैमरा पकड़ा दूंगा। फिर ये देखिए, इस टाइप से काटते हैं, पूरा जो सभी उंगली होता है फिंगर में, पूरा सभी जगह भर जाता है धान। और रखने का भी उसको ये इस टाइप का रखते हैं, बाल को एक साइड में रखते हैं। ये देखिए, अब ये पूरा पड़ा हुआ है, इन सबको हम लोग काटेंगे आज। और ये गिर गया है धान, इस ऐसे गिर जाता है जब धान ना, तो बड़ा मुश्किल होता है काटने में, लेकिन फिर भी क्या करें, अब काटना तो पड़ेगा ही ना। और ये जो जिस टाइप का खड़ा रहता है ना धान, इसको तो बहुत मज़ा आता है काटने में, ये जल्दी जल्दी ख़त्म भी होता है, कटता भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं अपने हाथों से काटना चालू करूँगा धान को, उसका भी वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैंने धान काटना चालू कर दिया और इस टाइप का काटता हूँ धान। सभी लोग ऐसे ही काटते हैं, पूरा फिंगर के भर भर, जितना भी फिंगर है सबके बीचों बीच धान को काट के रखा जाता है हाथ में, उस टाइप का पकड़ते हैं और एकदम से। और ज़रा सा भी इधर उधर हुआ, जैसे हचकना चालू हुआ, फंस गया, तो फिर हाथ कट जाएगी या फिर उंगली कट जाएगी, ऐसा है। और बड़ा बारीकी से ये देखिए, रखने का भी स्टाइल होना चाहिए उसको भी अच्छे से, मतलब धान को एक तरफ रखते हैं और उसका जो पीछे तरफ रहता है उसको फैलाते हैं ताकि जल्दी सूखे, वो भी रखने का भी एक कला होता है। अगर आप उल्टा सीधा इधर उधर किए तो फिर उंगली तो कटना ही तय है, लेकिन डोंट वरी, मैं काम किया हुआ हूँ, ये सब काम आता है मेरे को, तो इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं है, मैं कर लेता हूँ, ये सब काम कर लेता हूँ। तो कैसा लगा हमारा धान कटाई का वीडियो, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगता है मुझे इस टाइप का काम करना, बीच बीच में पहले तो खूब किए काम, फिर बीच में छोड़ दिए थे, अब फिर धीरे धीरे सबको याद आ रहा है तो करते हैं। ये देखिए, ये कैसे काट रहा हूँ मैं, रखते भी बड़ा अच्छे से, स्टाइल से रखना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर बिखर जाता है, सुंदर नहीं दिखता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ भी धान कटाई हो रहा होगा, आप में से कोई धान काटते हैं तो भी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो ऑल इन वन हूँ, हर टाइप का काम कर लेता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा ये पका नहीं है, कच्चा है बोल करके, लेकिन नहीं, पक गया है ये, पूरा धान पक गया है।
बस उसका जो पेड़ है वो कच्चा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, सूख जाएगा। और देखिए इस टाइप का कटा है पूरा, आधा हम लोग काट चुके हैं, ये थोड़ा सा बचा है आधा, इसको भी काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास बिल्कुल पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस टाइप का तो धान लुवाई होता है हाथ से। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।